हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी तक। वंस अगेन गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं HCL में आई एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें कोई एग्जाम से नहीं होने वाला, डायरेक्ट आप लोग का सिलेक्शन होने वाला अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। एंड कोई फॉर्म फीस भी नहीं लगने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई एग्जाम्स भी नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला, यानी इस जॉब्स को आप आसानी से पा सकते हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास कोई जॉब्स नहीं है, तो आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई करें। अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है, एज, सैलरी, जॉब लोकेशन वगैरह पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस जॉब से रिलेटेड इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 2 से 4 मिनट में सारा डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। एंड ये भी बताने वाला हूँ कि आप इसको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एंड अगर आप नए हो, अगर आपको जॉब की जरूरत है, आप किसी जॉब की सर्च में हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको नई नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलता रहता है। तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करोगे तभी आपके पास कोई भी जॉब्स की नोटिफिकेशन आ पाएगा, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। एंड हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन आ नहीं पाएगा, तो टेलीग्राम का चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसको जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ भी आपको डेली बेसिस पे नई नई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज का अपडेट मिलता रहता है। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा कि आप अगर पसंद आता तो एक लाइक भी कर सकते हैं आप इस वीडियो को। गाइज, अगर हम HCL की बात करें तो HCL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। एंड काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट होती है इसमें। एंड ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये 11 नवंबर को जारी कर दिया गया है, ठीक है। एंड ये आप कैसे डाउनलोड कर पाओगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। बट डाउनलोड करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें, तभी आपका डाउट्स क्लियर हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ ट्रेड की। देखो, इसके लिए क्या है कि इसमें ट्रेड में होनी चाहिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें बताया गया क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करते हैं, अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है, मैकेनिकल, सिविल, ये सब है, तो आपकी जो है इंजीनियरिंग कंप्लीट होनी चाहिए, यानी 4 साल की जो इंजीनियरिंग होती है ना, बीटेक बी, वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, किस यूनिट्स में कितनी सीट्स डिवाइड की गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद द कैंडिडेट शुड नॉट हैव कम्प्लीटेड 3 ईयर्स आफ्टर पासिंग ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 1/11/2019, दैट इज कैंडिडेट हैविंग पास द ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग इन द ईयर 2019-18 and 17 आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। उसमें बताया गया है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन बी या बी टेक कम्प्लीट है, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्टाइपेंड जो मिलेगा, जैसा कि आपको बताया कि अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है, तो आपका स्टाइपेंड जो मिलेगा वो 9,000 रुपीज़ पर मंथ मिलने वाला, ठीक है। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है आपकी 12 मंथ की ट्रेनिंग होगी फ्रॉम अ कमर्शियल जो ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ अप्रेंटिसशिप। देर शैल बी नो ऑब्लिगेशन पार्ट HCL टू ऑफर एनी इन्वॉल्वमेंट देयर फॉर। जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ दिया गया है, जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे जैसे रिजर्वेशन से रिलेटेड किस किस को रिजर्वेशन मिलेगा, SC ST EWS को, तो उससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसको आप एक बार जरूर पढ़ लेना। सिलेक्शन प्रोसीजर बता दूँ कि कोई एग्जाम्स नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट आप लोगों का जो है सिलेक्शन होने वाला मेरिट बेस पे, ठीक है। उसके बाद जो है हाउ टू अप्लाई, फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे कर पाओगे, देखो ऑनलाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप स्टेप बाय स्टेप कर लेना। अगर आपसे ऑनलाइन करने में नहीं हो रहा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट में टाइप करो और बताओ, तो हो सकता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी बना दूँ ऑनलाइन का। जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है, अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड लास्ट डेट की बात कर ले हम, देखो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको जो है 1 दिसंबर तक जो है आपको फॉर्म ऑनलाइन कर लेना है। अगर आप 1 दिसंबर तक फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर पाओगे तो बाद में आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन शेयर किया। अगर आप ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी लेना चाहते हो, तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, डिटेल से पढ़ लेना, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, इंटरेस्टेड हो तभी अप्लाई करना। एंड गाइज, उम्मीद करूँगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वैकेंसीज के बारे में पता चल पाए। एंड अगर आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।